इंडिया दे विच कोई बंदा नहीं रो रहा। तुसीं इंडिया दी गल ते दसी, तरक्की किदां कर गए? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ? ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਗਾਲਾਂ, तू किसी का मुंह तो सुनी गाल, उसी सु कटी। मुझे ये बताया अगर हम मोदी साहब की बात की जाए, इंडिया की लीडरशिप की बात की जाए, तो क्या वजह बनी हमारे साथ थे यार, हमने उनसे आज़ादी ली थी, आज़ाद उनसे अलहदा हुए थे, तो क्या वजह है कि आज वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं? ठीक है, मतलब दुनिया की बड़ी पांचवी इकानमी बन गया, हर चीज़ वहाँ पे है, तो क्या वजह है? बड़े बड़े सी उनके लग रहे हैं। तुम मैंने गाल दसो, तुम्हें क्या कि जिदा आप कहते कि इंडिया से मुसलमान से जुलम होंगे, तो यार साढ़े इतने क्रिश्चन ने की, हिंदुआ की करते हैं, यही गल है ना, अभी आप देखो कि करने पे अभी दूसरे इल्जाम लगा सामने। बहुत बड़ा इंसीडेंट है क्रिश्चन का, बहुत बड़ा बेशक वहाँ पे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान कैसे हो रहा है जुल्म, मुझे थोड़ा सा बताएं क्या चीज कश्मीरियों पे कैसे जुल्म हो रहा है, थोड़ा सा आपने किधर देखा, एक्सप्लेन थोड़ा सा। जुल्म यही हो रहा है ना कि एक जब क्या कहते हैं 1947 में एक क्या कहते हैं बंटवारा हुआ था, तो उस दिन एक तय हुआ था कि जो कश्मीर है उसको उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले, और लास्ट टाइम आपने देखा 2019 में उनकी जो खसूसी हैसियत थी वो भी खत्म कर दी गई थी, तो इससे यही साफ है ना। तो आप मुझे ये बताएं खसूसी हाथ, मतलब आपने कहा आर्टिकल रिवोक हुए 35 और 370, तो वो मतलब अब तो इंडिया का हिस्सा बन गया, ठीक है, उन्होंने जो नक्शा बनाया, तो क्या लगता है कि यार जिस मुल्क में आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हो, बिजली और सारी चीज़ें मिल रही हो, तो आपको नहीं लगता है कि यार वहाँ पे आप वो बेहतर उनके लिए वो बेहतर होगा? बिल्कुल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक जो इंसान की आज़ादी होती है ना वो भी एक अहमियत। कौन सी आज़ादी की बात? आज़ादी ये है कि वो मतलब मजहबी आज़ादी की, मजहबी आज़ादी है, मतलब कि वहाँ पे जो हिंदू हैं वो उस चीज़ को प्रेफर करते हैं, हिंदुओं को मुसलमान को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। अच्छा, मैं इमरान भाई इसलिए ये बातें सारी कर रहा हूँ क्योंकि जब तक हम अपने घर के अंदर नहीं देखेंगे तो हम दूसरे को बात नहीं कर सकते। तो क्या यह मिनोरिटीज़ की बात की जाए, तो क्या मिनोरिटीज़ को यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी है? क्या इंतहा पसंद शिद्दत पसंद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? अच्छा, जो काम अच्छा कर रहा है। आपने बात की, आपको नहीं लगता पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमने क्रिश्चियनों के साथ क्या? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि हमें किसी पे वो ये नहीं देखना चाहिए, हमें किसी की तारीफ करनी चाहिए, वो अगर वो अपने मुल्क कर रहा है ना ऊपर लेके जा रहा है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। दुनिया उसकी मिसाल दे रहा है, वो कह रहा है क्या पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान इंडिया लगाया हुआ है, हम कहाँ पे पहुंच गए, वो कहाँ पे है, वो अपने मुल्क में हम कर रहा है। तो मुसलमानों की तादाद भी 65 तो ज्यादा है, अगर सानू मालक ने कहा ना 500 दी वेचने ते असीं कहने असीं अपने नंबर टुंगन दी खातर 700 दी वेचीए, गलत आ गया ना गल, जदों असीं खुद नहीं ना सही अपने गल ही गल है ना, अगर असीं खुद नहीं ना सही है तो फिर दूसरे भी नहीं सही, अगर असीं खुद सही है ना तो दूसरा भी सही। फिर जो अब तो हमारे मुल्क में मुसलमान भी महफूज नहीं है ना, ऐसे ही है, मुसलमान की जान माल महफूज नहीं। आप देखें इंडिया की तो बात करते हैं, पाकिस्तान में आप बता रहे हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल हालात बहुत खराब है, इंडिया से भी अब मेरे ख्याल में हालात बहुत खराब हो गए। सर वहाँ पे तो मुझे लगता है जितना दौर टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया अब तो हो गया वो सिस्टम, जैसे अब देखे जाए तो हमारे तो अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री, अब उनके साथ हालात अच्छे हैं। हाँ, जैसे संदर्भ आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज का जो हमारा टॉपिक है हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे, सबसे पहले तो ये पूछेंगे क्या वजह है अगर लीडरशिप की बात कीजिए, तो क्या हमें कोई ऐसी लीडरशिप मिली है जो हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकती है? उसके बाद उनसे इंडियन लीडरशिप की बात करेंगे, मोदी साहब की भी बात करेंगे, बांग्लादेश लीडरशिप की बात करेंगे, क्या वजह बनी कि हमारे हमसाए मुल्क तरक्की करते जा रहे हैं और हम आज भी उसी लड़ाइयों में है कि हमारे ऊपर इसने जुल्म कर दिया, इसने जुल्म कर दिया। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी राय रखते हैं हम आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? इमरान ज़फर। क्या करते हैं, स्टूडेंट या जॉब करते हैं? नहीं, मैं जॉब पे हूं। चलो, जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या 76 सालों में आप क्या देखते हैं इमरान साहब, कोई हमें ऐसी लीडरशिप मिली जो मुल्क को आगे लेके जा सकती थी? आई थिंक लीडरशिप बहुत मिली है, लेकिन जो आवाम है ना उसको उस चीज़ की पहचान नहीं, मतलब अच्छा लीडर अच्छा मिलता है तो फिर हम जो है उस चीज़ को उस तरीके से, या तो हम उसको लाते नहीं है फ्रंट पे, अगर लाते भी हैं तो फिर उस तरीके से नहीं लाते कि वो आगे से लीड कर सके, मतलब प्रॉपर मैंडेट। आप कह रहे हैं अवाम मिस्टेक अवाम की है कि हम खुद ही हमारे हम खुद नहीं लीडर को चुन पाते। बिल्कुल, क्योंकि जो राइट एक सिचुएशन होती है तो उसमें हमने एक प्रॉपर एक मैंडेट देना होता है, उसमें हम नहीं देते, फिर हम आ जाते हैं जी इलेक्शन के टाइम पर, हम जो है वो पसंद ना पसंद पे आ जाते हैं, तो एक जो प्रॉपर एक लीडर होता है उसको हम जो है। तो क्या कोई लीडर आया था, क्या कोई आया था? लीडर तो बहुत आते हैं। अच्छा। मेन ये चीज़ नहीं है कि लीडर खुद से बनता है, लीडर को भी अवाम ने जो है वो बनाना होता है, अगर अवाम उसका साथ। यहाँ पे लोकल बॉडी सिस्टम है नहीं, एक टाइम तक था, लेकिन अभी तो है नहीं कि आम बंदा जो है आम अवाम के मतलब अंदर से कोई लीडर आ सके। जी बिल्कुल, बात तो वही है ना, जब हम एक अवाम खुद नहीं सोचेगी
एक चीज आप फेस कर रहे हैं उसको आप आवाज नहीं उठाएंगे उसकी, आप कहेंगे ठीक है जी मैं नहीं उठाऊंगा तो वो उठाएगा, वो नहीं उठाएगा, आज को उसके साथ हो रहा है तो कल को वो चीज आपके साथ होनी है। तो यही चीज है कि जो एक चीज जो एक किसी के साथ होना है ना, अगर सारे मिल के आवाज उठाएं तो ये जो क्या कहते हैं अपना, कोई भी हो चाहे हुकूमत में कोई नहीं हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इस चीज की आवाम को आजादी है, जैसे आपने कहा कि आवाम लीडर चुनती है, तो क्या आवाम को आजादी है कि आवाम अपना लीडर खुद चुनती है? बिल्कुल आजादी थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि जब एक बार आप जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, उसको दबा देंगे, चुप कर जाएंगे, फिर ऐसा ऐसा जो है वो जुल्म बड़ा होता जाएगा और आवाम। तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन है, अंदरूनी ताकतें या बिरूनी ताकतें? नहीं, इसमें मैं कहता हूँ आवाम का खुद का ही कसूर है। हम तो यही कह देते हैं कि इसके पीछे अमेरिका इंडिया का कसूर है किसी। नहीं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, अगर आवाम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाए ना, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे, तो मुझे मेरा नहीं ख्याल जो बाहर की ताकतें या कोई कंट्री है वो इस चीज में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बहुत सारी मिसालें देखी हमने दुनिया में, जहाँ जिस तरह इनकलाब आया, इनकलाब किसने लाया? अवाम नहीं लाया ना, जो वहाँ की अवाम थी उसने इनकलाब लाया। मुझे ये बताया, अगर हम मोदी साहब की बात की जाए, इंडिया की लीडरशिप की बात की जाए, तो क्या वजह बनी हमारे साथ थे यार, हमने उनसे आज़ादी ली थी, आज़ाद उनसे अलहदा हुए थे, तो क्या वजह है कि आज वो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं? ठीक है, मतलब दुनिया की बड़ी पाँचवीं इकानमी बन गया, हर चीज़ वहाँ पर है, तो क्या वजह है? बड़े बड़े सी ही उनके लग रहे हैं। बेसिक जो चीज़ है ना, वो एक तो मेरिट होता है, दूसरा जो है वो जो लीडरशिप होती है ना, उसको अवाम नहीं चुनना होता है। अच्छा। अब लीडरशिप तो हमने चुन ली, अब उसको मैंडेट नहीं दिया, ठीक है, अब बात होगी जी एक हुकूमत आती है, वो पाँच साल क्या करने आती है? पाँच साल हुकूमत का काम होता है ना हमारे यहाँ, जो तरक्की करना या लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना या मुल्क को चलाना, या एक असम्बली की हमारी मुद्दत होती है पाँच साल कि हमने एक रूट मैप तैयार करना होता है, अगर पाँच साल में हमने क्या करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है जी, हमने पिछले पाँच साल हुकूमत ने क्या किया उसको निकालो, उसकी करप्शन निकालो, उसकी ये चीज़ निकालो, उसकी वो चीज़ निकालो, हम आवाम को पीछे छोड़ देते हैं, हम पिछले पाँच साल को देखते रहते हैं। मैंने आपसे बात की मोदी साहब की बात की, तो क्या आपको लगता है कि वो हम तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो क्या लगता है कि उनकी वजह से मुल्क में तरक्की है या उनकी पॉलिसियाँ अच्छी थी? नहीं, पॉलिसी हर मुल्क की अपनी होती है, बेशक वहाँ पे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों कैसे हो रहा है जुल्म, मुझे थोड़ा सा बताएं क्या चीज़ कश्मीरियों पे कैसे जुल्म हो रहा है, थोड़ा सा आपने किधर देखा, एक्सप्लेन थोड़ा सा। जुल्म यही हो रहा है ना कि एक एक जब क्या कहते हैं 1947 में एक क्या कहते हैं बंटवारा हुआ था, तो उस दिन एक तय हुआ था कि जो कश्मीर है उसको उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले, और लास्ट टाइम आपने देखा 2019 में उनकी जो खसूसी हैसियत थी वो भी खत्म कर दी गई थी, तो इससे यही साफ है ना। तो आप मुझे ये बताएं खसूसी मतलब आपने कहा आर्टिकल रिवोक हुए 35 और 370, तो मतलब अब तो इंडिया का हिस्सा बन गया, ठीक है, उन्होंने जो नक्शा बनाया, तो क्या लगता है कि यार जिस मुल्क में आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हो, बिजली और सारी चीज़ें मिल रही हो, तो आपको नहीं लगता है कि यार वहाँ पे आप वो बेहतर उनके लिए वो बेहतर होगा? बिल्कुल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक जो इंसान की आज़ादी होती है ना वो भी एक अहमियत। कौन सी आज़ादी की बात? आज़ादी ये है कि वो मतलब मजहबी आज़ादी की, मजहबी आज़ादी है, मतलब कि वहाँ पे जो हिंदू हैं वो उस चीज़ को प्रेफर करते हैं, हिंदुओं को मुसलमान को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। अच्छा, मैं इमरान भाई इसलिए ये बातें सारी कर रहा हूँ क्योंकि जब तक हम अपने घर के अंदर नहीं देखेंगे तो हम दूसरे को बात नहीं कर सकते। तो क्या यह मिनोरिटीज़ की बात की जाए, तो क्या मिनोरिटीज़ को यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी है? जी बिल्कुल है, लेकिन मेन चीज़ पता है क्या, मेन चीज़ ये है कि हम इस चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं कि जी वहाँ पर ये हो रहा है तो यहाँ पर ये हो रहा है। जब आपकी मुल्क की जो सिचुएशन है ना माशी तौर पे या सियासी तौर पे ख़राब होती है, तो फिर इस तरह के जो अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम भी एक वाकया हुआ है जड़ावाला के अलावा, मतलब जो सिंध में वाकया हुआ है मंदिरों पे, जब वो उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे वो जो गोली मार दी गई थी पिशावर के अंदर, या उसके बाद वो जो एक श्रीलंकन आया था मैनेजर उसको जिला दिया गया था। जी बिल्कुल, हमारा जो इस्लाम है हमारा मजहब है वो इस चीज़ की बिल्कुल कती ताल्लुक जो है। अब एक की वजह से, एक जमात की वजह से हम पूरे पाकिस्तान को गंदा नहीं कर सकते। अभी जो मतलब वहाँ पे एक जमात थी, उन्होंने अपनी मस्जिद ओपन की, जब संडे आया उन्होंने कहा कि आप अपनी इबादत जो है यहाँ पे आके कर सकते, तो उन्होंने कहा कि आप पूछ रहे, हो सकता है कि आपकी मस्जिद पर अटैक नहीं कर दिया जाए। तो यार ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? आपको लगता है कि पहले अपने घर में देखना चाहिए, अपने जो बलोचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर बात कीजिए। हम तो मिनोरिटीज़ के छोड़ के मुसलमानों की बात करें तो उनके साथ क्या हो रहा है, सिंध की बात कर लें तो बेसिकली यही बात है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको देखना चाहिए, हुकूमत को। मेन चीज़ पता है क्या है इसमें, जब हम आप जो हुकूमत है ना, जब वो आवाम को नहीं देखेगी वो खुद में उलझ रहेगी, तो फिर इस तरह के जो फसाद आते हैं वो उन्होंने आना ही। बेसिकली जो मेन सिचुएशन है वो यही है, जो हुकूमत है उसका काम है आवाम की खिदमत करना, वो हुकूमत क्या करिए जी वो आपस में लड़ें जी, उसकी करप्शन ये हो गया वो हो गया, इसी तरह जो है इस तरह के फसादात होते हैं, फिर जो
अब तो हमारे मुल्क में मुसलमान भी महफूज नहीं है ना, ऐसे ही है। मुसलमान की जान माल महफूज नहीं। आप देखें हम इंडिया की तो बात करते हैं, पाकिस्तान में आप बता रहे हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल हालात बहुत खराब है। इंडिया से भी अब मेरे ख्याल में हालात बहुत खराब हो गए सर। वहाँ पे तो मुझे लगता है जितना दौर टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया अब तो हो गया होगा सिस्टम। जैसे अब देखे जाए तो हमारे तो अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, उनके साथ हालात अच्छे हैं बिल्कुल। आप देख ले वहाँ पे डॉलर बहुत सस्ता है पाकिस्तान से, और इंडिया इंडिया की तो आप बात ना करें ना, क्योंकि आप देखिए कंपैरिजन बनता है। उन्होंने जो है वो ट्रेड अपनी लोकल करेंसी में जो है वो स्टार्ट कर दी है, पहली ट्रेड भी उन्होंने कर ली है। तो मेन चीज ये है कि हम कैसे तरक्की, इंडिया कैसे तरक्की कर गया। मेन चीज होती है एक लीडरशिप, और लीडरशिप किस लिए आती है, वो आवाम से आती है। अवाम उसको मैंडेट देते हैं और उसको बैक करते हैं, और वो उस जो बैक करते हैं वो फिर उस चीज को डिलीवर भी करते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता इमरान साहब कि हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए थे, हम साये कंट्री हैं यार। बिल्कुल ताल्लुकात जो ट्रेड है, जो ट्रेड की बात ट्रेड है, इस तरह के कोई भी कंट्री है, आप बाकी जो जो फैक्टर है उस चीज को उस चीज में इन्वॉल्व ना करें। आप देखें जहाँ पे आपकी आवाम की बेहतरी आ रही है तो आप उस चीज को करें, आगे करें। ठीक है, जहाँ पे आपके मजहबी इश्यूज हैं या जो भी दूसरी चीजें, आप उसको उस प्लेटफॉर्म में जाके देखें ना। बिल्कुल, जैसे आपने कहा दूसरे मसलों को अंदर ना लें, तो ब्रदर अभी तो चाइना का और इंडिया का भी लद्दाख का इशू चल रहा है, उनकी भी ट्रेड चल रही है। बिल्कुल, यही अमेरिका का रशिया का चल रहा है, उनकी यही चीज है ना। वो जहाँ पे उनकी आवाम का मफाद है वो उस चीज को जो है वो नहीं करते, लेकिन जहाँ पे उनका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो उस चीज को अलग रखा हुआ है। एज अ आप यूथ हैं, ठीक है, आप एज अ मोदी साहब के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब एज अ इधर नेबर कंट्री के तौर? देखें ज़्यादा तो मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना आप देखें ना, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है तो साफ ज़ाहिर है वो एक लीडर होगा ना। पिछले 10 साल से वो हुकूमत में और कंसिस्टेंट वो चल रहा है, तो आखिर आवाम का उस पे ऊपर ट्रस्ट है, तो वो जो है वो कैरी ऑन कर रहा है। यानी कि इंशाल्लाह जी हमारी भी यही उम्मीद है कि हमारे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा लीडर आए जो आके देखे ना भाई आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, कल हमने भी बात करनी है, हम बाहर जाके क्या बताएंगे। जब लोग एक ही बात कर लेते हैं, हमारे साथ बांग्लादेशी बैठे हों जिनको हमने एक टाइम तक गद्दार कह दिया, वही बैठे हों, वही कहेंगे यार हमारे मुल्क के अंदर बैंक इतने रिजर्व पर हैं, हमारे डॉलर इतना है, हमारे बिजली इतनी सस्ती है, और आपके जिनको गद्दार कहा था वो आपसे तरक्की करते जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही बात करूँगा कि चाहे नेक्स्ट अब इलेक्शन होने, जब भी हो, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता, जब भी इलेक्शन हो, जो भी हुकूमत है, जिसकी भी हुकूमत बने, मैं उसको चाहता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है वो खुदारा आवाम के लिए सोचें, आपस की जो आपकी लड़ाइयाँ हैं उनको दूर कर दें, सारे साथ मिलके बैठें, आवाम के लिए सोचें। आप ये सोचें कि आपने पिछले 5-10 साल में क्या कर दिया, महंगाई का हाल देख लें, आज जो एक मजदूर है, दिहाड़ीदार मजदूर है, उसका घर का चूल्हा नहीं जलता, उसके बिजली के बिल देख रहे हैं आप, गैस के बिल देख रहे हैं। बिल्कुल, आपकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आटा हम यहाँ पे 150 ले रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल 291 रुपए डलवा रहे हैं, बिजली का बिल गरीब की अगर बात करें तो सर उसका 15-15, 20-20 हजार बिल आ रहा है, तो वो कैसे सर्वाइव करें। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा आवाम के लिए सोचें, ठीक है, जो भी हुकूमत में है लेकिन आवाम के लिए सोचें, आवाम की बेहतरी के लिए सोचें, इसी में हमारे मुल्क की बकाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करे। जिंदाबाद पाकिस्तान तरक्की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मोहम्मद एहसान जी। एहसान साहब दुकान करते हैं अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह दुकान करते हैं। मुझे ये बताएं क्या सानू कोई ऐसा लीडर अच्छा मिलिया से कि जिस वजह से साडा मुल्क तरक्की कर पांदा? यार मिले तो काफ़ी सी, वैसे नून लीग वाले भी माशाल्लाह अच्छे चले ने। अच्छा। जितनी देर रहे ने वैसे मानने, चलो इन्होंने खाधा है जो भी किया है, पर इन्होंने मुल्क के बारे उतना किया भी, अगर खाधा है ना तो इन्होंने काफ़ी कुछ लगाया भी है। नून लीग वैसे हुकूमत जितनी देर इन्होंने, वैसे इन्होंने ना एक सेंस हैगी है करण हाँ, वैसे ना तरीकेकार है इन्होंने, वैसे माशाल्लाह जो ना हुकूमत चलान जिस तरह की नून लीग की हुकूमत रही, फिर इन्नी महंगाई का यार। दरअसल गल पता की ये मेन गल मुकदी इमरान खान से, ठीक हो गया, इमरान खान ने जो किया है समझ लो उन्हें सारा निज़ाम जो है ना खराब करके रख देता है। साहब ला लो नून लीग की हुकूमत रही, कसम खुदा दी कारोबार बड़े अच्छे रहे ने। अच्छा। बेहतरीन खुशहाल लोग सी, नाल दे हमसाए ख्याल करते सी, हर दूसरे ने एक दूसरे का ना एहसास है। अच्छा, तुसी हमसाए दी गल कीती, क्या नून लीग दे विच साडे तल्लुकात हमसाए नाल अच्छे है गए सी कि नहीं? बड़े वी आई पी सी, यकीन करो हर बंदा इज्जत और तराम नाल बुलांदा सी एक दूसरे, इंडिया दी गल करदा पिया, एक दूसरे नहीं नहीं पाकिस्तान दी असी गल करने, जिस मुल्क च रहना ना असी उसदी मैं ताडे अपने मुल्क दी गल करांगा। देखो ना जो ताडे इंडिया नाल बांग्लादेश नाल अफगानिस्तान नाल तल्लुकात अच्छे होणगे, उधरों तुसी चीजां मंगाओगे, इधर आओगे ट्रेड करोगे तो भी ते हो रहा है। ना इमरान खान अपनी नवाबी दे विच ना सारे ना सिस्टम जो है ना एक हुकूमत चलाना ना, तो उन्होंने तरीकेकार भी उदा होंदा है, ठीक है ना। अगर मैं ताड़े ना बनानी होवे ना तो उदे वास्ते ओही दी जरूरत नहीं है, जी करना पैंदा है, फिर ही तुसी मैनू जी करोगे ना। अगर कोई समझने वाला होएगा तो समझ जाएगा, जिसनों इस बारे च नहीं ना समझ नहीं समझ। जी करो तो यार तुसी अपनी पॉलिसियां इस तरह बनाओ जावे इंडिया ने बनाईया ताकि तुहानू लोग ताड़ी इज्जत करन। बिल्कुल बेशक जी, फिर जारी जी गल ना, जैसी करोगे वैसी भरोगे।
अगर किसी ना ठीक चलोगे ना तो ताड़े ना ठीक चलेगा, अगर असी बांग्लादेश ना ठीक चलांगे ना तो साढ़े ना ठीक चलेगा, अगर असी अफगानिस्तान ठीक चलांगे तो भी साढ़े ना। हाँ बिल्कुल जारी जी गल, मैं ताड़े ते गल की ना, अगर कोई साढ़े मुल्क ना सही चलेगा ना, असी अगर किसी के मुल्क ना सही चलांगे अलहमदुल्ला साढ़े मुल्क नाल भी सही चलेगा, अगर असी दूसरे का एहसास करांगे ना तो साढ़ा भी कुछ एहसास करेगा। अच्छा मैं तुहाडे कोल सवाल पूछण चाहांगा, एज़ अ हमसाय मुल्क है इंडिया, उहदे बारे च की सोचदे जी, उहदी लीडरशिप दे बारे च, गवर्नमेंट दे बारे च, उहनां ने तरक्की कित्ता कर ली? यार दरअसल गल पता की है, सानू अपने मुल्क ने सोचनी चाहिए, सानू साडे जिहड़े लीडर ने उहनां नू साडी सोचनी चाहिए। ना तुसीं कह रहे कि अपनी सोचनी चाहिए, यार साडे तल्लुकात अच्छे होणगे अफगानिस्तान नाल इंडिया नाल, ते सानू किन्ना फायदा होएगा जिवें ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਮ ਜੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ? ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਟੁੰਗਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 500 ਦੀ ਵੇਚਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਟੁੰਗਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 700 ਦੀ ਵੇਚੀਏ, ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭਾਈ? ਉਮਰ। ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਸਰ? ਅਰਸਲਾਨ। ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਕ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਵਰਕ ਤੋ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਉਬਰ ਬਾਈਕ ਕਾ? ਉਬਰ ਬਾਈਕ ਕਾ। ਆਪਕਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 150 ਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ 291 ਰੁਪਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਖਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਚੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੀਖ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਜਬੂਰੀ? ਅੱਛਾ ਮਜਬੂਰੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲੰਦਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ 33,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ? 33,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 291 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਆਇਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 550 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 150 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਹ 26 ਲੱਖ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ? ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਗਾਲਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਗਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਸੁ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਭਜਨ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਐਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ 25-30 ਦੋਸਤ, ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ? ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ
ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਲੀਡਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਰੱਕੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ 90 ਰੁਪਏ ਪਵਾਰੇ ਡਾਲਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90 ਰੁਪਏ ਉਹ ਸੋਰੀ 90 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ 90 ਰੁਪਏ ਪਵਾਰੇ 80 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਲਰ ਹੈਗਾ ਆਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ 10-15 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ 250 ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹਾ ਨਾ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਆਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਮੇ ਜੰਗਲਾ ਜੀ ਹਮਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਕਿਹਾ ਯਹੀ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇ ਕਿਸੇ ਪੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਮੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਤੋ ਹਮੇ ਉਸਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਦੁਨੀਆ ਉਸਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਮ ਕਾਮ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੋ ਕਾਮ ਪੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਹਮਦਰਦ ਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਤਦਾਦ ਵੀ ਪਾਇਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਇਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਰਾ ਗਰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਆਇਆ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਗੁੜ ਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਭੇਜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਭੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਲਾਇਦਾ ਹੋਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7-8 ਚਰਚ ਜਲਾ ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਬਿਲਾ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਇਨ ਇਹ ਆਇਨ ਟੁੱਟਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ 6 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤਈਏ ਬੁਰਦਗਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਜਾਣ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਨ ਕਿ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭੱਟੋ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਚੋਰ ਗਰਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਸਿੰਧ ਚ ਕੇਪੀਕੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਰੇਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਉਠਾਓ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਹਰ ਫਰੀਦ ਹੈ क्या करते हैं अज़हर साहब आप मैं गिफ्ट सेंटर का काम करता हूँ शाह में अच्छा अज़हर साहब मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने तरक्की किया बांग्लादेश इंडिया की बात की जाए ठीक है अब तो अफगानिस्तान भी तरक्की करता जा रहा है तो आप मुझे बताएं क्या वजह क्या हमें कोई ऐसी लीडरशिप मिली थी कि जो मुल्क को आगे लेकर जाती नहीं सर ऐसी तरक्की कर ही नहीं सकते साढ़े इतने हुक्मराना नहीं बनती तो आवाम की आपस बननी ठीक है तो उनके बावजूद इन्हों की आपस लड़ाइया होंगे साढ़े कारोबारा च भी बड़ा मसला मसायल पैदा होंगे इन्हों अपनी सीट की खातर गरीबा मार देंगे भुखे बड़ी बिजली घट हो मुनाफा मिलेगा कुछ भी नहीं पेट्रोल आ रहा गंदम सस्ती हो जाएगी चोर नहीं सारी कोई भी नहीं चाहिए है सारे अच्छा, मैंने दसो तुम यूथ है ठीक है बिजनेसमैन जी अगर तुम बिजनेस करोगे तो बिजनेस उत्तर जाएगा तो पाकिस्तान को फायदा है पाकिस्तान तरक्की करेगा जो ता बिजनेस नहीं तो पाकिस्तान फ्लॉप हो जाएगा ठीक है ना ये दसो इंडिया ने कि तरक्की कर ली पाया इंडिया हमसाया मुल्क इंडिया ने इस तरह तरक्की की अगले सुकून आपस रल मिलकर बहुत ने कट्ठे करते हैं कम शाम साढ़े आपस सके भरा नहीं कट्ठे बहते तो फिर हुक्मरान ने तो लीडरशिप जी इंडिया की मोदी साहब जमें कि आए उन्होंने बारे की सोचते नहीं जी मोदी के बारे की कहना साढ़े अपने नहीं सही है नहीं नहीं मैं क्या कि सोचते क्या उन्होंने वजह तो मुल्क तरक्की की या नहीं नहीं उन्होंने तो तरक्की की आखिर उन्होंने कभी रौला सुने ही नहीं कर साढ़े पाकिस्तान रोले ने ठीक है इन्हों की नहीं आपस बनती है और कोई रौला नहीं की कहना चाहोगे तो लगता कि तलुकात अच्छे हो अफगानिया इंडिया के तलुकात अच्छे हो चीज़ा इधरों जाएंगे उधरों हो सकता तुम चीज़ा इधर आने चीज़ा बाबा जी असं तो किसी पार्टी के नहीं है वेखन यही है कि जो इमरान खान है ना बंदा बड़ा नाइस है ठीक है ना सी पार्टी इमरान खान के कहने का मकसद यह है कि उन्होंने ही आना चाहिए नहीं मैं ये कह रहा हूं कि लगता है बेचारा उन्होंने तुन के रखे वोट पैने से इलेक्शन होना से उन्होंने गरीब के बाल बढ़ाता है मैं कह रहा हूं लगता कि तलुकात अच्छे होने चाहिए इंडिया अफगानिस्तान ताकि उधरों भी लोग आन इधरों जान चीज़ा उधरों होने चाहिए ने क्यों नहीं जी होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए ने दुश्मनी नहीं उन्होंने प्यार ही उन्होंने चलो बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया।